भावनगर जिला माजी सैनिक एसोसिएशन द्वारा आईफा डे की उजवणी अंतर्गत कार्यक्रम योजायो हतो। भावनगर जिला सैनिक एसोसिएशन द्वारा आईफा डे की उजवणी अंतर्गत स्वामीनारायण गुरुकुल खाते कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे युवराज जयवीरराज सिंह गोयल, मुख्य वक्ता रविकुमार सहित महानुभावों उपस्थित रहा था। તેમની ઉપસ્થિતિમાં હાઇફા બંદરના વિજય અંગેની ગાથાઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી। आज का कार्यक्रम शायद इतने भव्य, इतना सौम्यतापूर्ण, इतना गंभीरतापूर्वक कार्यक्रम इसके पहले शायद किसी भावनगर में देखा होगा। मैं इससे शामिल रहा, इससे मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ तो बिल्कुल झूठ कहता है, इसको मौत से डर नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ तो केवल एक ही एक व्यक्ति हो सकता है, वह हमारे भारत के सेना का जवान। और इतिहास के हर पन्ने पर आप हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम प्राचीन काल से आज तक किया है वो साक्षी है। गुजरात की जो शौर्य परंपरा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज से 1000 साल पहले 1178 में मोहम्मद गोरी भारत पर शासन करने की इच्छा से दिल्ली नहीं गया था, वह गुजरात आया था। और यहाँ महारानी नायिका देवी और उनके ऊपर अभी पिक्चर भी आया है, गर्वमुख है, अवश्य देखना चाहिए। नायिका देवी वैसे दक्षिण भारत की, विवाह के बाद गुजरात पाटन यानी मेहसाणा के पास जो अहिला पाटन है वहाँ की महारानी बनी। और उस समय सेना लेकर मोहम्मद गोरी आया, बुरी तरह से हार कर वो भाग गया यहाँ से। तो पहला ही जो युद्ध हुआ था परकिया आक्रमणों से उसको उसमें विजय प्राप्त करा कर दिया है गुजरात की महारानी ने। ये इतिहास के पन्ने खोल करके देख लो, ये भावनगर का जो जन्म हुआ था सितंबर 1723 में, और अगले साल हो सकता है महाराज जी से मैं विनती करूंगा कि महाराज अगले साल सितंबर 23 में भावनगर को 300 साल पूरे होंगे, तो एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाए इसके ऊपर, वो लोगों को पता लगे कि हमारी रियासतें भाव सिंह जी, तप सिंह जी, गोविंद से लेकर के कृष्ण कुमार सिंह जी और अभी महाराजा देव
कर रहे हैं, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अहोभाग्य है हमारे लिए। और हाइफा, हाइफा के बारे में हमारे कई वक्ता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है और बताया गया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार इंपीरियल ब्रिगेड से भावनगर ब्रिटिशर्स ने हमारे पर बहुत बड़ा शासन किया है, तो उसमें जब कृष्ण कुमार सिंह जी सेना के अंदर जुड़े, आज उनको जितने अवार्ड मिले हैं शायद मुझे नहीं लगता किसी को इतने बड़े अवार्ड मिले होंगे। आज का कार्यक्रम में उपस्थित भावनगर ना तमाम नगरजनों ने भारतीय पदयात्रा मेहमान आप सौ ने मारा प्रणाम अने जय माता जी। मंच पर जयरे एटला डिस्टिंग्विश लीडर्स हो अने खास करीने अपना फौजी हो तो मारा जेवा युवानों ने वधारे वात न करवी जोईए, आपण सांभळवी जोईए। हूँ फक्त एक ज विनंती करीश, मैं आज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद है और माजी सैनिक, आप सबसे एक ही विनती करूँगा कि भावनगर के जो युवा हैं, जोश बहुत ही है, देशभक्ति भी बहुत है, बस आपकी हेल्प आपकी मदद यहाँ चाहिए कि जो एनर्जी है वो मिसडायरेक्टेड एनर्जी नहीं हो। तो आपसे विनती है कि आप आर्मी के प्रोग्राम्स, आर्मी के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे हमारे नौजवानों के साथ जरूर करें, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज से 5 साल 10 साल बाद आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखें तो मेरा ऐसा सपना है कि गुजरात में भावनगर वो सबसे आगे है।